सभी बहन भाइयों को, छोटे बड़ों को, यारों पैरों को, सबको मेरी हाजिर का राम राम। जय जय श्री श्याम, जय श्री माँ राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। और मैं और क्या बोलने को उसको ब्रेकफास्ट कर लिया है, पानी पत से चल करे हरिद्वार जाओगी किता ही हो चल पड़े हरिद्वार होटल में पहुंच गए, रोटी ली खा हमने सब ने, राम राम हरी हरी सब माँ लक्ष्मी शुद्ध वैष्णव कमरा पिलाबा रही है, बस रोटी खाई है वे। सही कहो बस खड़ी है अपनी बारी पानी पता नहीं बस खाना खा रहे कई बस जाली अपने बैठा है बस मसा सही बात ही थोड़ा रह रहा 17 किलोमीटर रह जाता है घंटे दो डेढ़ तक ही लागे देख लीजिए आराम से चल 70 किलोमीटर है दो घंटे होगी चाह पी लीजिए आता है ना और भीड़ पाई नहीं खाली सीट सही बेचारा बैठे और पीछे कि जितना चाहे उस पात्र से भोजन ले भोजन खत्म नहीं होगा, लेकिन द्रौपदी यदि भोजन कर लेगी तो फिर उसमें से किसी के लिए भोजन उस वक्त के लिए नहीं निकलेगा। तो वक्त भोजन प्राप्त होता था उस अक्षय पात्र से। एक बार की बात है, दुर्योधन ने पांडवों का पांडवों को श्राप दिलाने के लिए दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेज दिया। उसमें सारे पांडव भोजन करके हाथ धुल रहे थे तो दुर्वासा ऋषि आए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि स्वागतम हो महाभाग,
साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ होता ही साधवा काले ने मंदिर देखम सत्य साधु समागम हे दुर्वासा ऋषि आपका दर्शन तो बड़े पुण्यदायी बड़े पुण्य को देने वाला है, आप पधारिए और भोजन कीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ, तो भोजन की तैयारी करो। और अर्जुन जब दुर्वासा ऋषि को